हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ। अभी पिछले 2-3 दिन से जो भी अपना फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है, क्या पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा। और मेरे सोच के हिसाब से मैंने इस पर वीडियो ही बनाया था, बट लोगों ने मुझे भर भर के गालियाँ दी और इसलिए मुझे वीडियो को डिलीट करना पड़ा। और एक चीज़, ये जो मेरा चैनल है, मैं ये पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो मेरे मैक्सिमम जो वीडियो होते हैं वो मोनेटाइज नहीं होते हैं। जो भी मेडिको वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कहीं पे किसी मेडिको के साथ असॉल्ट होता है, तो आप देखेंगे वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होता है। तो पैसे के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना पैसा मुझे यूट्यूब से मिलता है उससे मतलब मेरे 4-5 दिन का भी खर्च नहीं निकलता है ना, तो इस पर तो मैं डिपेंड ही नहीं रहता हूँ। बस मुझे शौक है इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए। अभी मैं वापस से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मैं किया करता था, जो मैंने किया पिछले साल, वही गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग ये लेके चले कि आपका एग्ज़ाम 21 को होगा। अगर पोस्टमार्टम हो जाता है, अगर पोस्टपोन हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भी आप ऐसे तैयार हो। क्योंकि आप देखेंगे ना, जिनका सिलेक्शन अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से होने जा रहा है, वो लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मेरे जैसे बच्चों का गलती से सिलेक्शन हो गया, बट जिन लोगों का सिलेक्शन बहुत मेहनत करके हुआ है, वो लोग कभी भी इस चीज़ से नहीं लेके चलते कि आप पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे 200-250 मैसेज आ गया कि प्लीज़ आप अपना सोर्स बताइए। और आगे से बस यही है, क्या मैं चाहता था क्या आप लोगों की हेल्प करो इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता था, लेकिन इतनी गालियाँ पड़ेंगी और वो भी बहुत गंदी गंदी, तो मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा। आगे से जब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक मैं कोशिश करूँगा क्या उसको पब्लिश ना करूँ। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी पोस्टपोनमेंट के फेवर में है, क्या पोस्टपोन होना चाहिए, या फिर जो वेट कर रहे हैं आज या कल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सब छोड़िए और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक नंबर भी आपका ड्रीम ब्रांच आपसे छीन सकता है। इस बार अगर आप देखेंगे तो एक नंबर पे 1000 रैंक का फर्क था। मैं अपने कॉलेज से जानता हूँ 3 लोगों को जिनका नंबर मेरे से 1 नंबर ज़्यादा था, जिनका नंबर मेरे से 1 नंबर कम था। और हम तीनों ने अलग अलग ब्रांच लिया, मिल गया, खुशकिस्मत थे, बट जो रैंक डिफरेंस था वो 1000 का था। तो बाद में मेरे तरह अफसोस ना हो कि और 5 नंबर लेते आते तो अभी यहाँ से वहाँ चले जाते, वहाँ से वो चले जाते। हम लोगों ने भी ये किया था पोस्टपोन, हम लोगों के टाइम पे भी तो बहुत ज़्यादा हुआ था, और हर बार यही सोचते थे कि पोस्टपोन होगा होगा, ये सोचिए पढ़ाई उतने अच्छे से होती नहीं थी। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ पे फोकस करना बंद करें और ये लेके चले कि 21 को एग्ज़ाम है, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप लोग ऐसे भी तैयार रहिएगा, और नहीं होगा तो वापस से टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा रिवीजन का। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।